हेलो एवरीवन, अर्चना कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज बनाने जा रहे हैं उड़द दाल की वड़ा, जो कि आप इसको नाश्ते में खा सकते हैं और पितृपक्ष में इसको पितरों को चढ़ाया जाता है। तो हमारा वीडियो अंत तक बने रहिए, नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम उड़द दाल को पहले से ही भिगो कर रख दी थी 3-4 घंटे के लिए। अब उड़द दाल को मैं अच्छी तरह से धुलकर छिलका को निकाल ली हूँ और इसको मिक्सर जार में पीस लेंगे। यहाँ पे हम डाल दिए हैं हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। इसे वड़ा का स्वाद और अच्छा बढ़ जाता है। तो मिक्सर जार में इसको पीस लिए हैं। अब इसको स्पून से निकाल देंगे तो इसी तरह बचे हुए उड़द की दाल को हम पीस लेंगे। और उड़द की दाल हम पीस लिए अच्छी तरह से। अब इसमें डालेंगे जीरा और हल्दी पाउडर। और गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। और यहाँ पे हम हींग को डाल देंगे। हींग से टेस्ट बढ़ जाता है। और अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो गैस ऑन करके यहाँ पर कढ़ाई में हम ऑयल डाले हैं। यहाँ पे हम सरसों का ऑयल पे वड़ा का बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब इसको एक हाथ में पानी लगाकर इसको इसी तरह हम हाथों से दबा देंगे और बीच में इसमें हम थोड़ा सा होल करेंगे ताकि अच्छी तरह से पके। तो इसी तरह हम वड़ा बनाएंगे और गैस का आँच अब स्लो रख दूंगी ताकि धीरे धीरे पके और अंदर से अच्छे से पक जाए। तो कलर चेंज होने लगा है तो इसको हम दूसरे साइड पलट देंगे और गोल्डन ब्राउन तक पकाएंगे। तो गोल्डन ब्राउन हो गया तो इसको एक प्लेट निकाल देंगे। तो फिर से हम बचे हुए बैटर को डाल देंगे आयल में और गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे। और इसको गोल्डन ब्राउन तक पकाएंगे इसको भी। दूसरे साइड इसको पलट देंगे वड़ा को। तो वड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अच्छी तरह पक गया है तो इसको निकाल लेंगे उसी प्लेट में। तो वड़ा बन के तैयार हो गया है और बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो आप इसको चाय या तो फिर चटनी के साथ खा सकते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।